देखो थोड़ा सा भी डर ना लग रहा है। वो लोग तो खिलाड़ी है यार। अरे 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 गिरेगा रे। आपको अंदर से इसका व्यू दिखाते हैं। फोटो आ रहा है, इसे इसको खोला जाता है तो पूरा वाटर प्रूफ है। उसके बाद यहाँ से फिर और एक गेट है इसका जो ऐसे खुलेगा, दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये हम लोगों का साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का राइडिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सिलीगुड़ी से, जो कि त्रिवेणी का प्लान है। प्लान तो सिक्किम का है बट आज त्रिवेणी में नाइट स्टे करना है। हम लोग अभी सिटी सेंटर क्रॉस कर चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंड थी जिससे हम लोग को निकलने में काफ़ी लेट हो गया है। अभी जस्ट हम लोग यहाँ से खाना खाए हैं। अभी धूप निकला हुआ है, वैसे सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंड था। मैंने सुबह से ग्लव्स लगा के रखा था बट अभी जो धूप निकली है उसकी वजह से मैंने ग्लव्स खोल रखा है। अभी हम लोगों को यहाँ से 55 किलोमीटर दूर और कवर करना है, तब पहुँचेंगे त्रिवेणी। यहाँ पर आज हम लोग कैंपिंग करेंगे और ये बंगाल सफारी पार्क देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और अंदर में आपको 1 घंटा के लिए घुमाया जाता है। इसके अंदर हाथी वगैरह बहुत सारे जानवर हैं। यहाँ पे गाइस देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है। गाइस अब हम लोग घुस रहे हैं एडवेंचर वाली जगह पे। देख सकते हैं अब पहाड़ स्टार्ट हो रहा है। ये है तीस्ता रिवर जिसके किनारे हम लोग कैंपिंग करेंगे। वाह क्या व्यू है गाइस, देख सकते हैं एक ब्रिज है वहाँ, बहुत सारी गाड़ियाँ भी लगी हुई है। पूरा एडवेंचरल व्यू है। बस सिर्फ एक ही बात का टेंशन है गाइस कि हम लोगों को त्रिवेणी में कैंपिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि संडे भी है, हो सकता है ऑलरेडी बुक हो गया हो सब। अब मैंने फ़ोन भी कर रहा था सुबह, देखिए मोबाइल बंद आ रहा है हम लोगों का जो बुकिंग नंबर था। तो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है, आई थिंक आगे में रास्ता जाम हो सकता है। बेवजह हम लोग वहाँ पर खड़े थे। गाइस सामने में देख सकते हैं एक बड़ा सा मंदिर है, मंदिर की वजह से शायद रास्ते में जाम लगा हुआ रहता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं मंदिर के लिए। और ये अभी हम लोग फाइनली सेवोक पहुँच चुके हैं। गाइज इधर से आप लोग जा सकते हैं, कोरोनेशन ब्रिज होते हुए जा सकते हैं। अब ये रास्ता जो सीधे चल रहे हैं हम लोग, इसे जाएंगे सिक्किम कालिम्पोंग और जहाँ हम लोगों का डेस्टिनेशन है त्रिवेणी, वहाँ तक इस रोड से जा सकते हैं। अब हम लोग के साथ साथ चलेगी तीस्ता रिवर जो कि मेरे राइट साइड में है। गाइस आप लोगों को तीस्ता का वाटर दिखाते हैं, पूरा ग्रीन ग्रीन। गाइस देख सकते हैं कितना ऊपर है हम लोग और कितना पूरा नीला नीला पानी दिख रहा है, पूरा नीला, पता नहीं चल रहा कि पानी है, लग रहा जंगल वंगल लगा हुआ है। पूरा ग्रीन ग्रीन वाटर, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। यहाँ से अगर कोई गिरेगा तो शायद ही वो बच पाएगा भाई। अगर यहाँ से कोई गिर जाएगा तो बचेगा भाई, कभी भी लैंड स्लाइडिंग हो सकता है, भाग जाओ यहाँ से। क्या रख रहे हैं उसमें? इन लोगों को देखो थोड़ा सा भी डर ना लग रहा है। अरे 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 गिरेगा रे। उस वहां जाकर कूद रहा था वो, देखो देखो गाइस देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, पूरा पहाड़, बीच से नदी निकलती है तीस्ता रिवर। गाइस हम लोग का यही दो बाइक है, एक राइडर और दूसरा अपाची 164V। इसी से अभी हम लोग चल रहे हैं सिक्किम के टूर पे। गाइस देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ है, बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं इधर उधर। ब्लैंकेट ब्लैंकेट सारा कुछ मिलेगा ना? कुछ मिलेगा आपको, आपको अभी चाय मिलेगा, बिस्किट मिलेगा, ठीक है। 6 बजे आपका आग जलेगा ऐसे, फिर उसमें आपका बारबेक्यू होगा, तो वो सब पैकेज में आएगा, बारबेक्यू होगा, फिर उसके बाद डिनर होगा। अच्छा टॉयलेट बाथरूम? टॉयलेट बाथरूम उधर है, हम लोग का जो कंपनी का है वो कंपनी का हो जाएगा, हम आपको सब उधर दिखा देगा। टॉयलेट बाथरूम एक टेंट में चारों आदमी आ जाएंगे ना? दो टेंट दीजिएगा। तीन मेन टेंट है, ये दोनों दे रहे हैं। हाँ ये दोनों। अभी हम लोगों को क्या करना है? अभी आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है, चारों का आधार कार्ड और पे करना है। आधार कार्ड चाहिए? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ ना वो तो मिल जाएगा। आइडेंटिटी कार्ड ऐसा नहीं, एक साथ चारों रहते तो ज्यादा मजा आता। एक ही साथ ही तो है, बस रात को सोना, बैठ के रह सकते हैं, बाद में सोने के लिए अलग, सोने के लिए अलग अलग।
तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं त्रिवेणी कैंपिंग के लिए, और मेरे साथ है अकबर भाई, मुनाजिर और एक शाहबाज भाई हैं जो उधर घूमने के लिए गए हुए हैं। देख सकते हैं काफी अच्छा नज़ारा है, और ये हम लोगों का है, ये दोनों हम लोगों का है टेंट, ये मेरा, ये और उस मेरे साथ जो है अदर पर्सन, दो आदमी इसमें रहेंगे, दो आदमी इसमें रहेंगे। आपको अंदर से इसका व्यू दिखाते हैं, इसे इसको खोला जाता है, पूरा वाटर प्रूफ है। उसके बाद यहाँ से फिर और एक गेट है इसका जो ऐसे खुलेगा, दिखा रहे हैं आप लोगों को। हम लोगों का सारा सामान रखा हुआ है, देख सकते हैं दो तकिया है और बाकी हम लोगों के हेलमेट वगैरह सारा कुछ रखा हुआ है। इसी में आज, इसी टेंट में आज हम लोगों को रात गुजारना है। काफ़ी अच्छा व्यू है, देख सकते हैं पीछे से वो जो पीछे वाला जो पहाड़ दिख रहा है वो कलिम्पोंग है, कलिम्पोंग का टावर भी दिख रहा है, शायद कैमरा में नहीं दिख रहा होगा। ये चेयर है, चार चेयर दिया गया है, बाकी एक अम्ब्रेला है। उसके बाद यहाँ जो पानी का, पानी पीने के लिए वो जो दिया गया है वो हम लोगों का है, और टॉयलेट बाथरूम थोड़ा दूर में है, देख सकते हैं उधर है, वहाँ जाना होगा। बाकी यहाँ पे दो दो रिवर्स है, वहाँ पे बहुत सारे लोग बोटिंग कर रहे हैं, हम आगे चल के आप लोगों को दिखा रहे हैं वहाँ से। तो गाइस बने रहिए वीडियो के साथ, आगे दिखाते हैं आप लोगों को, पूल दिखाते हैं आप लोगों को, देख सकते हैं पूरा कैंपिंग का व्यू, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहा है, काफ़ी सुहाना व्यू है, अमेजिंग व्यू है। देखिए बहुत सारे लोग उधर बोटिंग भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग राफ्टिंग भी कर रहे हैं, राफ्टिंग के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, तब वहाँ से बोट पे चढ़ के आना पड़ता है, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगता है 5,000, बोटिंग भी अलग अलग चार्ज है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग पिकनिक किए हुए हैं, पिकनिक कर रहे हैं, इधर देखिए। और ये सामने में जो दिख रहा है यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी है, इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल काम देता है कभी कुछ हुआ तो। चलिए आप लोगों को नदी के किनारे जाते हैं, वहाँ से दिखाते हैं आप लोगों को नदी का व्यू। गाइज यहाँ का जो व्यू है पूरा पत्थर ही पत्थर है, और देखिए नदी दिखा रहे हैं आपको, इधर से एक नदी आती है, इस नदी का नाम तो मुझे पता नहीं है, बट वो जो है वो सामने से जिसका पानी पूरा ग्रीन ग्रीन है वो तीस्ता नदी है। देख सकते हैं मेरा कैमरा हिल रहा है गाइस, नाइट के लिए ये वार्निंग दिया गया है, वार्निंग्स रिवर्स आर डेंजरस, ये नाइट में यहाँ इस मतलब इस लाइन को पार करना मना है। कुछ लोग यहाँ पे आग जला के रखे हुए हैं, शायद लोग काफ़ी दूर से आए हैं, ठंड लगी होगी जिसकी वजह से आग जलाए हुए हैं, और आप लोगों को दिखा रहे हैं बोटिंग। आगे चलते हैं, बोटिंग का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। गाइज देख सकते हैं यहाँ पे बोटिंग हो रहा है, सब बोटिंग कर रहे हैं, शायद आज तो नहीं कल हम लोग बोटिंग करेंगे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा भी है। हेलो, ये बोट देखिए जो मशीन से चल रही है, और ये कुछ लोग हाथ से चला रहे हैं, वो काफ़ी स्पीड में चल रही है वो बोट, और वहाँ पे पानी भी बहुत गहरा गहरा है। देख सकते हैं व्यू कितना खूबसूरत व्यू है, इससे बोलते हैं एडवेंचर। क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई, आपको हम जूम करके दिखाते हैं, ये जो जगह दिख रहा है ये हो रहा है, ये दिख रहा है आपको कलिम्पोंग, हो सकता है कल हम लोग यहाँ जा सकते हैं कलिम्पोंग, बट आज तो हम लोग अभी यहीं पे कैंपिंग में लगे हुए हैं। कैसा लगा यहाँ का व्यू, आज पहली बार आए हैं, आए थे पहले कभी नहीं भूलेंगे, सुनो ना कैसा लगा यहाँ का व्यू। यहाँ पे बहुत ही गजब नज़ारा लगा हमें, इससे पहले मैं तो आया नहीं था यहाँ पे, लेकिन इस बार आया हूँ, बहुत अच्छा नज़ारा है, आए यहाँ पे अब देखने के लिए इस व्यू को, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग, बेहतरीन नज़ारा है, आए देखने के लिए। बोटिंग भी करना है क्या? हाँ बोटिंग भी होता है, बोटिंग के लिए अलग से चार्ज है, जो कि उनका चार्ज आपको अलग से पे करना, मतलब बोटिंग तुमको करना है, बोटिंग मैं तो अभी सोच रहा हूँ बोटिंग करने के बारे में, लेकिन आप देखते हैं हमारे
साथी जो आए देखते वो क्या करते हैं, वो अगर बोटिंग करेंगे तो मैं भी उनके साथ हूँ, अगर नहीं करेंगे तो मजबूरी हमको जाके अपना जो वो कैंप है कैंप पे जाके सोना होगा। प्लेस कैसा लगा तुमको ये जो जगह है? प्लेस लगा हमको ये, इससे पहले मैं ऐसा प्लेस नहीं देखा था। गाइज हम लोगों ने बीच का पूरा मुआयना कर लिया है, थोड़ा मोरा घूम भी लिया, बट बोटिंग नहीं किया। बोटिंग शायद कल सुबह करेंगे, आज अभी शाम होने को है। देख सकते हैं सब अपने अपने टेंट में जा रहे हैं, हम लोग भी चल रहे हैं अपने टेंट में, सब है चल रहा है लोग भी। वैसे काफ़ी मज़ा आया, आप लोगों को आगे का सीन दिखाते हैं, जो भी हम लोग आज रात में करेंगे, जो भी फन होगा, जो भी एंजॉय करेंगे सब मिलके करेंगे और बताएंगे आप लोगों को भी दिखाएंगे सारा व्यू। ठीक है गाइस, तब तक के लिए बने रहिए अगले वीडियोज के लिए, तब तक के लिए ठीक है गाइस, यहाँ पे सही रहेगा। हम लोगों का यहाँ पे लग रहा है पानी। गाइस मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे से और वीडियोज में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलते हैं फिर एक अगले ब्लॉग में।